गाइस जीटीवी के सीरियल कुंडली भाग्य के आगे आने वाला सीक्वेंस बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। पहला सवाल तो ये है कि क्या कुंडली भाग्य में आने वाला है लीप। दूसरा सवाल गाइस, क्या अर्जुन का किरदार निभा रहे शक्ति छोड़ देंगे कुंडली भाग्य। और गाइस तीसरा सवाल सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है, क्या कुंडली भाग्य में धीरज धूपड़ की होगी वापसी। तो ऐसे में गाइस जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगी। लेकिन उससे पहले गाइस, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे ही वीडियो देखते रहो। तो गाइस सबसे पहले तो कुंडली भाग्य के आगे आने वाले एपिसोड में आपको एक लीप देखने को मिलेगा। और गाइस मैं आपको बता दूं कि लीप की तैयारियां शुरू हो चुकी है। लेकिन गाइस लीप आने से पहले कुंडली भाग्य में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न आने बाकी है। गाइस सबसे पहले तो आपको आने वाले एपिसोड में शादी से रिलेटेड ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेंगे। और गाइस इसके साथ साथ काव्या और अर्जुन की बॉन्डिंग का ट्रैक भी दिखाया जाएगा। और गाइस वहीं दूसरी तरफ अर्जुन और प्रीता के बीच कुछ गलत फहमियां हो जाएंगी जिससे दोनों के बीच मन मुटाव हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि लीप आना तो तय है लेकिन ये शॉर्ट लीप होगा, ये एक जनरेशन लीप नहीं होने वाला। तो गाइज अब आते हैं दूसरे सवाल पर कि क्या शक्ति अरोड़ा कुंडली भाग्य को छोड़ रहे हैं। तो गाइज जब लीप की बातें चल रही थी तो ऐसी खबरें आ रही थी कि अर्जुन का किरदार निभा रहे शक्ति अरोड़ा कुंडली भाग्य को छोड़ देंगे। लेकिन गाइज मैं आपको बता दूं कि इसकी अभी कोई भी कंफर्मेशन प्रोडक्शन हाउस की तरफ से नहीं आई है और ना ही गाइज एक्टर शक्ति अरोड़ा ने इससे रिलेटेड कोई भी पोस्ट किया है। और गाइज तीसरा सवाल जो अभी सबसे ज्यादा चर्चा में बना हुआ है कि क्या धीरज की वापसी होगी कुंडली भाग्य में एज ए करण। तो गाइस बहुत सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसी खबरें आ रही थी कि धीरज की वापसी हो सकती है करण के रूप में। लेकिन गाइस फिलहाल के लिए तो धीरज की तरफ से ऐसा कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है। तो गाइस इससे रिलेटेड जो भी अपडेट आएगी मैं आपको सबसे पहले बता दूंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही गाइस, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और ऐसे ही अपडेटेड रहे।